Assalamu alaikum dear students, 8th class science, and I am your teacher Shabir Ahmed. Today our chapter is light, chapter number 12, and the topic is dispersion of light. देखिए हम जानते हैं कि जो light, sunlight जो हम तक पहुंचती है, obviously हमें लगता है कि it's of white color, यानी जिसको हम white light कहते हैं. लेकिन अगर यही white light जो है, if a ray of light, this white light is allowed to pass through a glass prism. देखिए अगर ये glass prism के पास से अंदर से ये गुजारी जाए, pass की जाए इस light को, तो दूसरी तरफ जब ये निकलती है, ये light जो है split होती है into various colors, into 7 colors. जैसे ये पहली या violet है, ये सबसे नीचे, फिर indigo है, फिर blue है, फिर green है, फिर yellow है, फिर orange है और red है, जिसको हम vibrio कहते हैं. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange और red. ये इतने कलर्स की लाइट, 7 रंग की लाइट बनती है. एक्चुअली सनलाइट जो है इट्स ऑफ 7 कलर्स, इसमें 7 रंग होते हैं, लेकिन जब ये हम तक पहुंचती है तो ये मिक्स होके वो 7 रंग एक ही रंग हमें दिखता है, तो हमें वाइट लाइट दिखती है, हमें 7 रंग इसके नहीं दिखते हैं. तो ये जो है, नाउ द स्प्लिटिंग अप ऑफ दिस white light of sun into 7 constituent colors, it's called as dispersion of light. And इसी को हम dispersion of light कहते हैं. जब white light को हम prism में से या किसी चीज़ में से pass करें, उसके 7 रंग अलग अलग हो जाएं, तो उसको splitting, उस splitting को dispersion of light कहते हैं. और ये जो 7 rings की जो band बनती है, pattern बनती है, इसको हम spectrum कहते हैं. Naturally भी आपने देखा होगा कि white color, white रंग, ये sunlight जो है इसके 7 color अलग अलग होते हैं. जैसे rainbow formation होती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि 7 colors अलग अलग होते हैं. अब इसके लिए एक experiment हमें करना है कि how we can demonstrate splitting of the white light या dispersion of light को हम किस तरह demonstrate करें. इसके लिए हमें क्या करना है, take a plane mirror of a suitable size. एक प्लेन मिरर लेना है. प्लेन मिरर, मिरर जिसमें हम आईना, सूरत देखते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं, उसका एक पीस लेना है सूटेबल साइज़ का. देन प्लेस इट इन अ बाउल. फिर एक कटोरी लेनी है, बाउल एक लेनी है, उसके ऊपर रखना है इसको. तो हमें एक प्लेन मिरर लेना है और एक बाउल लेनी है, और उस बाउल के अंदर, उस कटोरी के अंदर उस प्लेन मिरर को फिट करना है, लगाना है. फिल द बाउल विद वाटर. उस बाउल को जो है वाटर से हमें फिल करना है. पुट दिस अरेंजमेंट नियर द विंडो इन सच अ वे दैट डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द मिरर. अब हमें इस तरह से इसको फिट करना है खिड़की के पास कि इस बाउल में जो है डायरेक्ट सनलाइट अंदर आनी चाहिए, उसमें डायरेक्ट उस मिरर पे सनलाइट पड़नी चाहिए. ठीक है, तो इसको देखिए, यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट है. ये देखिए यहाँ पे ये मिरर है, ठीक है, मिरर है, और मिरर कटोरी है, कटोरी में हमने मिरर फिट किया है, और यहाँ से उस पर सनलाइट पड़ रही है. यहाँ से देखिए इस पर सनलाइट पड़ रही है, यहाँ से फिर देखिए रिफ्लेक्शन यहाँ पे बन रहा है. देखिए 7 कलर से रेनबो बन गई है, स्पेक्ट्रम बन गया है. तो एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द बाउल सो दैट द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन द वॉल. अब हमें इस कटोरी को, उस मिरर को इस तरह एडजस्ट करना है खिड़की से कि वो जो सन की लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए वो दीवार पे पड़नी चाहिए. इफ़ द वॉल इज़ नॉट अवेलेबल, अगर वॉल वाइट नहीं है तो फिक्स अ शीट ऑफ पेपर ऑन दिस. अगर वॉल हमारे पास वाइट कलर की वॉल नहीं है, किसी दूसरे कलर की है, तो उस पर हमें क्या करना है, उस पर हमें एक प्लेन शीट ऑफ पेपर, वाइट कलर शीट ऑफ पेपर जो है फिक्स करना है. रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मैनी कलर्स. अच्छा देखिए, अब हम देख सकते हैं कि उसमें रिफ्लेक्टेड लाइट जो है उसमें 7 कलर्स होंगे. ये देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं 7 रंग हमारी वाइट लाइट के, ठीक है, स्पेक्ट्रम के. तो द मिरर एंड द वाटर फॉर्म ए प्रिज्म. अब जब ये मिरर और वाटर जो है, इन दोनों में से पानी रिफ्लेक्ट होता है, तो ये प्रिज्म का काम करती हैं. तो दिस ब्रेक्स अप द लाइट इनटू इट्स कलर्स. अब ये जो ये मिरर और ये वाटर जो है, ये लाइट को ब्रेक करती है, ब्रेक डाउन करती है इसके अपने जो 7 कलर्स हैं उनमें. नाउ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स इज़ नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. अब इसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं. नाउ रेनबो इज़ ए नेचुरल फिनोमेनन शोइंग डिस्पर्शन ऑफ लाइट. अब रेनबो जो है, जो आसमान पे बनता है, वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है. चलिए आज के